नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, गया जिला के सिरघाटी अनुमंडल मुख्यालय का मुख्य समारोह गणतंत्र दिवस के मौके पर रंगलाल उच्च विद्यालय के खेल परिसर में मनाया जाना है। परिसर में झंडावंदन के लिए मनाया गया मंच जर्जर हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर जर्जर मंच से झंडावंदन और अनुमंडल वासियों को संबोधन करेंगे SDO, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी से लेकर नगर परिषद तक मंच की जर्जर अवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वर्ष में 2 बार यहां पर समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर का मुख्य समारोह आयोजित होता रहता है। आखिरकार कौन इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? क्यों नहीं हो पा रही है मंच की मरम्मत? जिस शान से हम तिरंगा को फहराते हैं, उस स्थल को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? परिसर पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? यह सारे सवाल स्थानीय बुद्धिजीवियों ने उठा रहे हैं। एक बार फिर देखना है कि आगामी 2 दिन बाद होने वाला गणतंत्र दिवस के पहले झंडा बंधन मंच की मरम्मत हो पा रही है या नहीं। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। फील्ड है जहाँ कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, कोई भी नेता या मंत्री आता है तो यहाँ कार्यक्रम होता है, लेकिन एक अच्छा सा मंच नहीं है। आप देख सकते हैं कि कभी भी गिर सकता है। इतना लोग, कम से कम 200 आदमी डेली घूमता है इस फील्ड में। घूमने के लिए कोई ट्रैक नहीं है। इतना कचरा चारों तरफ, आप देख लीजिए, कचरा का भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन इसको साफ करने वाला कोई नहीं है। 26 जनवरी आने वाला है, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सफाई का कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन जो है और ये नगर पंचायत पूरी तरह सोई हुई है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान के सरघाटी नगर परिषद के द्वारा एक धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जबकि सरघाटी शहर में एकमात्र कीड़ा मैदान है जो सारे सरघाटी के शहरवासियों, इर्द गिर्द के लोग भी यहाँ स्वस्थ रहने के लिए आते हैं, परंतु इसी अनदेखी किया जा रहा है। जबकि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा बिहार सरकार को और नगर परिषद को याद दिलाते रही है कि स्वच्छता अभियान पर ध्यान दें, परंतु इस सब के अनदेखी करके इस फील्ड को गंदगी से भरा हुआ है। कोई भी इस पर ध्यान देने की ध्यान नहीं देता है। समझ गए? और मंच ऐसा कहा है, आप बताइए, 26 जनवरी आ रहा है। 26 जनवरी आ रहा है, जबकि सरघाटी के अनुमंडलाधिकारी महोदय द्वारा यहां सिर्फ झंडा तोलन किया जा रहा है। मंच के दुर्दशा देखकर लग रहा है कि 26 जनवरी के दौरान सारे इकट्ठा हो, पदाधिकारी के इकट्ठा होने पर कब गिर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपना परिचय दीजिए। महेश शर्मा। क्या कहिएगा, बताइए। सरघाटी रंगलाल खेल परिसर का दुर्दशा आपके सामने दिख रहा है, जो आज वर्षों से खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक से एक नेता, मंत्री, विधायक ए मंचा सिंह यहाँ पर देते हैं, लेकिन इनका नजर नहीं है। ये खंडर जो है कभी भी गिर सकता है और जान माल का खतरा हो सकता है, लेकिन इस पर किसी का, सरकार का ना नज़र है, न यहाँ के लोकल नेता जो हैं उनकी भी कोई जैसे देख रेख रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये फील्ड का दुर्दशा है। यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए महिलाएं आती हैं, जेंट्स लोग आते हैं, बहुत सारे जो लड़के खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये ट्रैक और ये मैदान इतना बुरा हाल है कि थोड़ा सा बारिश होती है तो मतलब ये सब किसको मानते हैं, इसको मंच को कौन देखने, मंच का इसका चाहिए यहाँ का लोकल जो नेता विधायक है, जो सरकार है, सरकार और नगर निगम, नगर परिषद इसकी 100% रिस्पॉन्सिबल है। रंगलाल को देखना चाहिए, और ये नगर रंगलाल हाई स्कूल चाहिए, नगर पंचायत को देखना चाहिए। हाँ, इसको कम से कम मरम्मत किया जाए, थोड़ा बड़ा जी जो मटेरियल लगे। 26 जनवरी में भी बताइए, नहीं इसको देखा गया, बरसात चला और परसों है, बताइए। फिर भी रिपेयरिंग के तौर पर रंग पेंट किया जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। आपके सामने है जो इस हाल है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र करूंगा, कृष्णापुरी के रहने वाले हैं। कह रहा ये कि सरघाटी में एकलौता, ये सब डिवीजन में एकलौता ग्राउंड है जो सबसे अच्छा है, जिसका कोई देखभाल नहीं करता है। हम लोग भी इतना सारे लोग खेलते हैं, लेकिन एक खंबा सिर्फ देखिए दिखाई दे रहा है। गोल पोस्ट का एक ही गोल पोस्ट है, एक गोल पोस्ट गायब है, कोई देखभाल नहीं। मंच का वही जर्जर स्थिति है, कभी भी गिर सकता है।
और ग्राउंड का आप परिस्थिति देख लीजिए, सारे तरफ कचरा कितना है, पानी निकासी नहीं होता। देखिए कल पानी बारिश हुई है और इसका पानी देखिए जमा हुआ कैसे, कोई निकासी नहीं है। यहाँ सभी लोगों को टहलने में खेलने में बहुत तरह की परेशानी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद हुआ मेरा।